वेलकम बैक टू सिंपली अनप्लग्ड, दिस इज वैष्णवी। सो आज का यूकुलेले ट्यूटोरियल रहेगा एक सॉन्ग के ऊपर विच इज घोड़े पे सवार। सो सबसे पहले ये सॉन्ग में ओनली 3 कॉर्ड्स आते हैं, ये तीनों कॉर्ड्स में आपका पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके कॉर्ड्स भी काफी इजी है एंड बेसिक है, सो डोंट वरी, अगर आप बिगनर हो तो आप इजिली लर्न कर सकते हो, जरा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सीखने के लिए, बिकॉज इसका कॉर्ड्स भी इजी है, स्ट्रमिंग पैटर्न भी इजी है एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन भी इजी है। सो ओवरऑल ये ट्यूटोरियल काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो सॉन्ग काफी ट्रेंड में है, सो मैंने फर्स्ट टाइम जब सुना था ये सॉन्ग को तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बट जब मैंने सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम सुना तो मुझे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। ऐसा कई बार होता है कि लाइक फर्स्ट टाइम जब हम सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता नहीं है, जब हम सेकंड एंड थर्ड टाइम में जब सुनते हैं, आपके साथ भी शायद से हुआ रहेगा, लाइक नेवर माइंड, ये सब मैं फालतू की बातें कर रही हूँ। सो चक दिस, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल मेक श्योर टू सब्सक्राइब सिंपली अनप्लग, लर्न एवरी डे अ न्यू थिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर ट्यूटोरियल। सो नाउ कॉर्ड से चालू करते हैं। सो सबसे पहला कॉर्ड रहेगा हमारा सी कॉर्ड। सो सी कॉर्ड के लिए ओनली वन फिंगर इज इनफ टू होल्ड दिस कॉर्ड, तो ये कॉर्ड रहेगा हमारा इधर विच इज थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग, लाइक दिस यू हैव टू होल्ड, ओके। एंड ऑल्सो आप कॉर्ड चार्ट भी रिफर कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग वेरी मच कन्फ्यूज, ओके। एंड नाउ दिस इज हाउ यू शुड प्ले दिस कॉर्ड। सो ये सी कॉर्ड है। नाउ सेकेंड कॉर्ड रहेगा हमारा एफ कॉर्ड, ठीक है। तो एफ कॉर्ड हमारा इंडेक्स फिंगर रहेगा फर्स्ट फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग इधर, एंड हमारा मिडिल फिंगर रहेगा सेकेंड फ्रेट पे लास्ट स्ट्रिंग, लाइक दिस यू हैव टू होल्ड। एंड ऑल्सो यू कैन रिफर कॉर्ड चार्ट्स ऑन द स्क्रीन, एंड दिस इज हाउ यू शुड प्ले दिस कॉर्ड। बहुत ही बेसिक से कॉर्ड्स है, तो आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं होगा इसको लर्न करने के लिए। एंड नाउ लास्ट कॉर्ड रहेगा हमारा जी कॉर्ड। सो जी कॉर्ड हम ऐसे पकड़ेंगे विच इज़ हमारा इंडेक्स फिंगर रहेगा सेकेंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, देन हमारा मिडिल फिंगर रहेगा सेकेंड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड हमारा रिंग फिंगर रहेगा थर्ड फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग, लाइक दिस यू हैव टू होल्ड। एंड ऑल्सो आप कॉर्ड चार्ट्स भी रिफर कर सकते हो ऑन द स्क्रीन, एंड दिस इज हाउ यू शुड प्ले दिस कॉर्ड। सो ये थे हमारे 3 बेसिक कॉर्ड्स, ओके। एंड बहुत इजी कॉर्ड्स है, आपको पता रहेगा, कॉमन है, लाइक हर टाइम लाइक ये सब कॉर्ड्स यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो फिर ये सब कॉर्ड्स लर्न करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये सब जो भी मैंने कॉर्ड्स बताए हैं वो सब सी मेजर स्केल के कॉर्ड्स हैं, ठीक है। एंड अगर आपका स्केल थोड़ा डिफरेंट है तो आपको लाइक ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वरना तो ये सी मेजर स्केल के ऊपर ही मैंने ये सब कॉर्ड्स बताए हैं आपको, ओके। सो अभी आते हैं हम स्ट्रमिंग पैटर्न के पार्ट में। सो हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा ये सॉन्ग के लिए डाउन अप टैप डाउन अप टैप। सो ये पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न है। सो इसको डिवाइड कर लो स्ट्रमिंग पैटर्न को। सो डाउन अप विल बी द फर्स्ट पार्ट, टैप विल बी द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट विल बी द डाउन अप वापस अगेन, एंड फोर्थ पार्ट अगेन टैप। सो ये सब हम जब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो स्ट्रमिंग पैटर्न काफ़ी इजी हो जाता है लर्न करने के लिए, वरना अगर आप एक साथ ही ऐसा लर्न करने जाओगे तो आप ज़रा भी सीख नहीं पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप उसको पार्ट वाइज डिवाइड करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा डाउन अप। सो डाउन अप, ओके, अगेन आई विल शो यू डाउन एंड देन अप। फिर सेकेंड पार्ट रहेगा टैप, और एल्स आप म्यूट भी कर सकते हो या तो आप चक भी कर सकते हो। सो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से मैंने टैप यूज़ किया, तो टैप अच्छा साउंड करता है और चक भी अच्छा साउंड करता है एक्चुअली। सो आप टैप के जगह पे चक भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डाउन अप एंड देन टैप, डाउन अप एंड देन टैप, एंड अगेन थर्ड पार्ट रहेगा विच इज डाउन अप एंड देन अगेन टैप, ओके। सो ओवरऑल इसको स्ट्रमिंग पैटर्न को अगर हम प्ले करने जाएंगे तो ऐसा साउंड करेगा। ये तो विदाउट रिदम था, अब इसको हम रिदम डालेंगे इसमें ये सॉन्ग का, तो ऐसा साउंड करेगा। डाउन अप टैप 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 डाउन अप टैप। आपको
पता ही होगा कि रिदम इज रियली इम्पॉर्टेंट. सो विदाउट रिदम आप स्ट्रमिंग पैटर्न कोई सीख ही नहीं सकते हो. बिकॉज अगर आप विदाउट स्ट्रमिंग लाइक विदाउट रिदम अगर आप स्ट्रमिंग पैटर्न सीख रहे हो तो आपको लाइक आपसे सीखा ही नहीं जाएगा. बिकॉज ये सब रिदम के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रमिंग पैटर्न. अभी ये जो रिदम था, अब मैं कोई और भी रिदम इसमें डाल सकती हूँ, ठीक है. तो आपके सॉन्ग के रिदम के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करता है. अब ये सॉन्ग का टेम्पो एंड फिर इसका जो म्यूजिक है कैसा है, तो उसके ऊपर आपका स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा. सो ये सॉन्ग के हिसाब से ही इसका रिदम ऐसा है. सो रिदम लर्न करना इज रियली इम्पॉर्टेंट. सो ये था हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न एंड कॉर्ड्स. अभी मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बता देती हूँ. सो इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन तो सी एफ एन जी ही रहेगा, विच इज सी कॉर्ड, देन एफ कॉर्ड एंड देन जी कॉर्ड, ठीक है. तो ये ही कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा ओवरऑल पूरे सॉन्ग में. सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि टेम्पो कितना है, स्पीड, टेम्पो मतलब स्पीड रहता है, इसका टेम्पो कितना है एंड इसका कौन से वर्ड्स पे, कौन से लाइन पे हमें स्ट्रम करने का है. बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है. बस आपको इतना देखना है. कॉर्ड्स, कॉर्ड प्रोग्रेशन को तो आपको पता ही है, टेम्पो कितना रहेगा एंड कौन से लाइन पे हमें कौन सा कॉर्ड एंड स्ट्रम करना है. सो इतना ही डिफरेंस रहता है एक्चुअली में. सो अगर मैं नहीं गाऊंगी भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन ही इतना ईजी है तो गाने की मुझे ज़रूरत है नहीं. अगर मैं सिर्फ आपको इतना बता दूंगी कि कौन से लाइन पे आपका कौन सा कॉर्ड रहेगा तो आपको तुरंत अपने आप ही समझ जाएगा. सो अगर आप बिगिनर हो एंड अगर आपको कुछ भी डाउट भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ईजिली आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी. सो लाइक तो भी मैं आपको लाइक बता देती हूँ कि इसका सॉन्ग फ्लो कैसा रहेगा. सॉन्ग फ्लो में मतलब कौन सा लाइन में कौन से कॉर्ड्स आएंगे, ओके. तो यही सिर्फ रहता है. तो वो सब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इन केस अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो. अभी आपको मैं बता देती हूँ कि इसका सॉन्ग फ्लो कैसा रहेगा. तो सबसे पहले आपको मैंने आपको कॉर्ड्स तो बता ही दिए हैं कि लाइक सी कॉर्ड है एंड देन एफ कॉर्ड है एंड देन जी कॉर्ड, ठीक है. तो ये तीनों कॉर्ड्स है, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन भी यही है. स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा डाउन टैप डाउन. अभी हम देखेंगे कि कौन से लिरिक्स पे कौन से कॉर्ड्स आएंगे. तो सबसे पहला रहेगा कोई कैसे, कोई कैसे समझ आए सजनी या के मन अभी इनकार पे जाने बल्ला घोड़े पे क्यूसा बार है. ये पूरा सॉन्ग है. अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पैरा आपको बताया है, बाकी ये पूरा ये सीक्वेंस को आप फॉलो करो. पूरा सॉन्ग यही है. अगर मैं गाऊंगी भी नहीं तो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. बट तो भी इन केस मैं आपको नेक्स्ट इमेज पे बता देती हूँ कि क्या क्या है. कोई कैसे उन्हें ये समझाए सजनिया के मन में अभी ये आपको पता ही चल गया होगा कि आपको कैसे गाना है एंड स्पेशली आपको आपके कौन से कॉर्ड्स कौन से लिरिक्स पे रहेंगे. ये जो मैंने पूरा सीक्वेंस गाया है, ये सेम सीक्वेंस को आप पूरा सॉन्ग लेके चलो. यही सीक्वेंस में आपको पूरा सॉन्ग गाना है, ठीक है. ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था कि आपको ये सॉन्ग को कैसे लेना है, कैसे स्ट्रमिंग पैटर्न एंड कौन से कॉर्ड्स आएंगे एंड ये जो सीक्वेंस है आप सेम ऐसे ही सीक्वेंस में आपको आपको पूरा सॉन्ग गाना है, ठीक है. तो ये आपका पूरा सॉन्ग फ्लो हो गया. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ इसके आगे के लिरिक्स पे कौन से कॉर्ड्स आएंगे, जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो. सो आई होप आपका समझ गया है ट्यूटोरियल एंड अगर आप बिगनर हो तो उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से एंड कम टाइम में आपको बहुत इजीली आ जाएगा.
सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड ऐसे भी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर दिस वीडियो इफ एनी वन इज इन नीड, एंड फॉर गेटिंग एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो यू कैन टेल मी विच ट्यूटोरियल शुड आई अपलोड नेक्स्ट. सो बाय बाय, टेक केयर, की स्प्रेडिंग लव, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. बाय. We'll be right back.